there's a jungle out there. Just only 7 kilometers from here. Let's shift. Hey Anju, क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह फोन कर रही हो? तुमसे कुछ बात करनी थी। एक मिनट। क्या हुआ? कुछ सीरियस बात है क्या? फोन पर नहीं बता सकती। कॉफी शॉप में आ जाओ, वहीं बात करते हैं। ओके। Hey, good morning. Good morning. कब आया यार? बस अभी आया। कैसा रहा तेरा ट्रिप? Quite exciting. Exciting थी? तो तू इतना ठंडा क्यों है? अंजलि का फोन आया था। Anyways, दोपहर की फ्लाइट से नागपुर जा रहा हूँ। डैड का फोन आया था। Development, constructions, blueprint, investments, blah blah blah. Don't worry, फटाफट जाऊंगा और फटाफट आ जाऊंगा। ठीक है ना? और तुम? बस चल रहा है।
बताओ बात क्या है? हमेशा की तरह वही, डैड कह रहे हैं शादी कर लो। वो हमारे बारे में जानते हैं फिर भी? बस वो चाहते हैं कि हम शादी कर लें। पर हमें तो इस बात की जल्दी नहीं है ना। पर वो तो नहीं समझेंगे ना, तुम जानते हो। ओके, समझ। देखो अंजू, मैं भी शादी करना चाहता हूँ पर फिलहाल मैं तैयार नहीं हूँ। जरा मुझे बताने की जहमत उठाओगे क्यों? प्लीज दोबारा मत शुरू करो अंजू। तुम जानती तो हो तुम्हारे डैड जल्दी कर रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ, पर तुम तो मेरा हाल जानती हो। शादी कोई मजाक है क्या? मैं अभी सेटल नहीं हुआ हूँ, मैं अपने दोस्त के टुकड़ों पर पल रहा हूँ यार, उसका घर उसकी गाड़ी। देखो अब मुझे अच्छी नौकरी मिली है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है उन्होंने मेरे साथ। 7 महीने बीत चुके हैं, कुछ बदला? अंजू आई लव यू। ये काफी नहीं है शाम, पापा को तरह तरह की बातें सुननी पड़ रही है। कम ऑन, 2 दिन घर पे रहता हूँ, 2 महीने बाहर घूमना पड़ता है, ये है मेरा काम। तुम जानती नहीं हो या जानना नहीं चाहती कितनी बार इस बात को लेकर सर फोड़ चुका हूँ। ठीक है एक काम करते हैं, अभी सगाई कर लेते हैं, शादी 2 साल बाद करेंगे, इससे तुम्हारे डैड को तसल्ली मिल जाएगी और हमें भी 2 साल के लिए छुटकारा। तुम्हारे लिए छुटकारा होगा पर वो उनकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी? ये अच्छा है, शादी करा के अपनी जिम्मेदारी हटा के मेरी जिम्मेदारी बढ़ाना चाहते हैं। शादी उनके लिए बच्चों का खेल होगा लेकिन मेरे लिए नहीं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए मुझे फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? डरपोक कहीं के। क्या कहा? डरपोक हो तुम। तुम कुछ भी बोल रही हो। जिम्मेदारी, परिवार, पत्नी, बच्चे, ये सब तुम चाहते ही नहीं हो, इसलिए शादी को टालने के लिए तुम 10 बहाने देते हो। और मैं जानती हूँ 2 साल बाद तुम कोई और बहाना लेकर आ जाओगे। तुम डरपोक हो, डरपोक। जिसे तुम डर कह रही हो ना वो मेरे लिए जिम्मेदारी है। और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे डैड को नहीं तुम्हें ही मुझ पर भरोसा नहीं, फालतू का ड्रामा कर रही हो। बस शाम, अब मैं और नहीं सह सकती। मेरी बात सुनो। इट्स ओवर बिटवीन अस। तुम ऐसा नहीं जा सकती। मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। अंजू, अंजू मेरी बात सुनो, अंजू प्लीज। एक्सक्यूज़ मी भाई साहब, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? थैंक यू। भाई साहब, क्या मैं आपसे 2 मिनट के लिए बात कर सकता हूँ? बोलिए। क्या आपको कभी एक ऊंची इमारत से कूदकर आत्महत्या करने का मन किया है? क्या कहा? मेरा मतलब जो लोग प्यार में नाकाम होते हैं वो ऐसा ही सोचते हैं। आपको कैसे पता मैं प्यार में नाकाम हुआ? मुझे पता चल जाता है। बड़ा पर्सनल सवाल पूछ रहे हैं, आप हैं कौन? गुड क्वेश्चन। देखिए आपको एक बात बताता हूँ, परेशानी मेरे पास नहीं आती, जहाँ परेशानी होती है मैं वहाँ जाता हूँ। मतलब जहाँ जाते हो वहाँ लोग परेशान हो जाते हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, देखिए आप समझ नहीं रहे, असल में पेशेंट मेरे पास नहीं आते, मैं खुद पेशेंट्स के पास जाता हूँ। ओह, मतलब पेशेंट तुम्हें मिलते नहीं है इसलिए तुम खुद ही पेशेंट ढूंढने निकल पड़ते हो? नहीं 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 नहीं, बात ऐसी नहीं है कि मैं पेशेंट्स के पास जाता हूँ क्योंकि पेशेंट्स मेरे पास नहीं आते, बात कुछ और है, बल्कि बात पूरी उलट है। देखिए मैं आपको ठीक से समझाता हूँ। आई एम हर्षद, द मोस्ट वांटेड साइकियाट्रिस्ट। मैं बीमार पेशेंट्स को ढूंढ ढूंढ कर उनका पूरी तरह से इलाज करता हूँ, यूं समझ लीजिए जैसे कोई समाज सेवा वगैरह, मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। मतलब तुम्हारा कहना है मेरा दिमाग खराब है? अरे वाह, अब तो काफी समझदार निकले। चल उठ। जी मैंने कहा उठ। देखिए मैं आपसे तमीज से बात कर रहा हूँ और आप है कि? देख मैं आखिरी बार इज्जत से बोल रहा हूँ, उठ जा। ओके, तो आप मुझे यहाँ से भगा रहे हैं है ना? कोई बात नहीं, मैं फिर आके मिल लूंगा। ओके बाय, जा रहा हूँ। Thank you.
क्या शशि घर पर है? आप कौन? मैं निशा, हाउस नंबर 13 में रहती हूँ। वो तो नागपुर गया है। एनी प्रॉब्लम? अर्जेंट काम है, शशि से बात करनी थी। उसका मोबाइल नंबर है? हाँ है, ट्राई किया था पर लग नहीं रहा है। मैं कोई मदद करूँ? नो थैंक्स, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। शशि का फोन नहीं लग रहा। रिलैक्स, जरूर कुछ गड़बड़ है। अंदर आओ, बात करते हैं। घबराओ मत, मैं शशि का दोस्त हूं। बैठो। मेरा नाम श्याम है, मैं शशि का दोस्त हूँ। इससे पहले मैंने आपको कभी यहाँ देखा नहीं। मैं इस इलाके में नई रहने आई हूँ। ओह, आखिर बात क्या है? कहीं कोई तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा? नहीं नहीं, बस शशि से बात करनी थी और कुछ नहीं। तो क्या आप दोनों के बीच में कोई? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर एक्चुअली बात दरअसल ये है कि कोई मुझसे बात कर रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? वो कौन है मैं भी नहीं जानती, पर वो मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ उसकी आवाजें सुनाई देती हैं, बहुत डर लगता है और मेरी बात का कोई यकीन नहीं करता। सब मुझे पागल समझते हैं, इसलिए यहाँ चली आई थी शशि से बात करने। कैसी आवाजें सुनाई देती हैं? किसी आदमी की आवाज, चीखने की, चिल्लाने की, कांच टूटने की आवाज है, दरवाजा बंद होने की आवाज, कार इंजन स्टार्ट होने की आवाज। मैं शंकर हूँ, तुम्हें मार डालूंगा, ऐसी आवाजें सुनाई देती है मुझे। ये शंकर कौन है? नहीं पता, मुझे क्यों मारना चाहता है ये भी नहीं जानती। कोई बुरा सपना देख लिया होगा? नहीं, जब मैं होश में रहती हूँ तब ही ऐसी आवाजें आती हैं। जब दिमाग पर ज्यादा जोर पड़ता है ना, तब ऐसी चीजें होती है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की चीजें दिखाई देती है। जस्ट रिलैक्स, अच्छे गाने सुनो, अच्छी बुक्स पढ़ो। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इट्स ओके। हे कम ऑन, आई विल ड्रॉप यू। ठीक है, थैंक्स। Nice design. Wow, nice interiors. आपका घर तो बिल्कुल हमारे घर जैसा ही है। रो हाउसेस है ना यहाँ, तो सभी एक जैसे ही हैं। पर आपके इंटीरियर्स काफी आर्टिस्टिक हैं। इसका क्रेडिट अपने दोस्त को ही दीजिए। शशि को? इस घर को खरीदने के लिए शशि होम्स एंड कंस्ट्रक्शंस में ही तो गई थी मैं, फिर ये घर खरीदा। बताइए आप क्या लें, चाय या कॉफी? भी कुछ भी चलेगा। चाय बनाओ, अदरक वाली बढ़िया रहेगी। ओके।
तुम अकेली रहती हो? हाँ अकेली रहती हूँ। डैड यूएस में मैरीलैंड में रहते हैं और मॉम लॉस एंजलिस में। काफी वक्त हुआ उनका डिवोर्स हुए। ओह। काफी साल मैं माँ के साथ रही। कुछ सालों पहले माँ ने शादी कर ली, फिर मैं वहाँ से चली आई। डैड के पास जाने का मन नहीं किया तो इंडिया आ गई। वो दोनों मुझे चाहते हैं पर अपनी अपनी जिंदगियों में फंसे हुए हैं, क्या करें। पर मेरे करियर को लेकर दोनों मुझे सपोर्ट करते हैं। वैसे तुम करती क्या हो? मैं वेस्टर्न क्लासिकल सीख रही हूँ। बढ़िया है। क्या मैं घर देख सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं। चीनी कितनी? 3 चम्मच। मैं भूल गई थी कि मैंने नैन्सी को बांध कर नहीं रखा है। मैं भूल गई थी, तुम्हें बताना भूल गई थी। कोई बात मैंने नहीं। जानबूझकर नहीं किया, तुम समझ रहे हो ना। रुको ना शाम, मेरी बात तो सुनो। मेरे पीछे मत आओ। I'm extremely sorry, शाम। शाम, I'm really sorry। मेरे दिमाग से ही निकल गया था कि मैंने नैन्सी को। नैन्सी, बाहर आओ नैन्सी। कहाँ हो तुम नैन्सी? नैन्सी बाहर आओ। नैन्सी, पता नहीं कहाँ बैठी है। क्या हाल कर दिया घर का।
Do you mind if I smoke? No. क्या शंकर अब भी तुम्हें परेशान करता है? मजाक नहीं कर रहा। देखो श्याम, मैं शंकर को जानती हूँ। पर कल तो तुमने मना किया था। कल रात मुझे ये कार्ड मिला। बहुत धुंधला धुंधला सा याद है, पर शायद ये वही है। मुझे चेहरा ठीक से याद नहीं है। कुछ महीनों पहले हम मजूली आइलैंड गए थे एक कॉन्सर्ट के लिए, तब शंकर हमारा गाइड था। क्या गाइड? हाँ, जहाँ तक मुझे याद है शायद वो उसकी हॉबी है। वो काफी रहीस है, उसके बहुत सारी बोर्ड्स हैं। ओह। पर मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि उसकी बातें मुझे क्यों सुनाई देती हैं? वो मुझे क्यों मारना चाहता है? हम तो एक दूसरे को ठीक से जानते तक नहीं, उसे मुलाकात भी नहीं कहा जा सकता। हम दोनों ने तो आपस में बात तक नहीं की। एक बार उसे फोन करके देख लो, शायद तुम्हारा भ्रम दूर हो जाए। ये तुम्हारा भ्रम है कि नहीं ये तो पता चल जाएगा। लगाया था कल रात को मैंने फोन, पर उसका नंबर आउट ऑफ रीच आ रहा था। तो अब क्या करने की सोच रही हो? शायद वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। थैंक्स फॉर द नाइस कॉफी। Excuse me, भाई साहब, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? क्या पूछना है? क्या आपको कभी ऐसा मन किया कि सुई को लेके अपनी आंखों में चुभो दें? क्या? कभी नहीं किया? बुक पसंद नहीं है फिर भी? भाई साहब सुनिए मेरी बात तो। अरे ये सड़ू कहाँ से आ गया? चला गया।
सच, सब सच है। अगर तुम्हारी कोई बात न माने तो भी वो सच है। पार्डन, तुम्हें मार डालूंगा, सच में मार दूंगा। ऐसे क्या देख रही हो? मैं जो कह रहा हूं तुम्हें सुनाई दे रहा है? कुछ टूटने की आवाज, दरवाजा खटखटाने की आवाज, किसी के आहट की आवाज, पानी पीने की आवाज, इंजन स्टार्ट होने की आवाज। शंकर, सब सच है, मैं यकीन करता हूं, तुमसे ज्यादा यकीन करता हूं। इसलिए नहीं कि शाम ने मुझे बताया, इसलिए कि तुम जो भी महसूस कर रही हो मैं वो समझता हूं। बात यह है कि मेरा नाम हर्षद है, मैं एक साइकेट्रिस्ट हूं। तो तुम्हें ये बातें शाम ने बताई? नहीं तो मुझे कैसे पता चलता? हाय निशा, बाय द वे, मे आई इंट्रोड्यूस मिस्टर हर्षद, साइकाइट्रिस्ट। हाँ, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं ये, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। लगता है मुझे लेकर तुम कुछ ज्यादा ही परेशान हो। एक कम ऑन, मैं तुम्हें परेशानी में नहीं देख सकता, इसीलिए मैंने। But I'm not sick. लेकिन परेशानी तो है ना, हाँ या ना? अच्छा सॉरी, मैं कार में वेट कर रहा हूँ, तुम एक बार इनसे बात कर लो, शायद कोई हल निकल आए। अब एक्सक्यूज मी, हेलो बॉस, प्लेटफॉर्म पर ढूंढते रहता हूँ, पेशेंट नहीं मिलते, और आपने तो आसानी से पेशेंट दिलवा दिया। आपका कमीशन कितना होगा ये बता देते तो। फालतू की बकवास बंद कर और जाके अपना काम कर। सॉरी, बाय, थैंक्स। क्या बोल रहा हूँ मैं, इस कुदरत की सबसे अनमोल चीज है खुद कुदरत। मैं साइंस के परे पे भी विश्वास करता हूं। एक जोर सी आवाज, फिर सन्नाटा, और बीच में कुदरत। पहले क्या था इस दुनिया में? जो भी है वो एक साथ नहीं आया। भगवान ने सृष्टि रची और इस दुनिया का निर्माण किया। भगवान ने परिकल्पना की आदि से आज तक। उसी कुदरत का तुम भी एक हिस्सा हो। सूरज, चंद्रमा, तारे सितारे, विश्व, ब्रह्मांड, इन सब का अंश मुझ में है और तुम में भी है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, टेक्निकली उसे स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। मैं तुम्हें अपने सीनियर डॉक्टर शरद के पास ले चलता हूँ। मेरा विश्वास करो, वो तुम्हारी परेशानियों का हल ढूंढ लेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहली बार तुमसे मिला तो मुझे लगा तुमसे बड़ा ढक्कन कोई नहीं होगा। तो सर अब आपको कैसा लग रहा है? अब ऐसा लग रहा है कि जो भी मैंने सोचा था सही सोचा था। थैंक यू वेरी मच। वेल, रिपोर्ट के मुताबिक तो आपके ब्रेन में कोई कमी नहीं है, मतलब सब कुछ नॉर्मल है। नाउ टेल मी, आपने पहली बार वो आवाजें कब सुनी? यानी अंदाजन कब से हो रहा है? यही कोई 10 महीने से, मजोली आइलैंड से लौटने के बाद। आइलैंड? ओके। वहां पर क्या कुछ अजीब सा हुआ था या किसी तरह का कोई झगड़ा? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वहाँ, मुझे तो शंकर का चेहरा भी ठीक से याद नहीं। He was just a guide. शंकर जब आपसे बातें करता है तो क्या महसूस होता है? बहुत डर लगता है। डर यानी उसे देखकर डर लगता है?
वो दिखाई नहीं देता, सिर्फ उसकी आवाजें सुनाई देती हैं। देखिए, हेल्यूसिनेशन यानी जब भ्रम होता है तो ये सब होना लाजमी है। भ्रम है मुझे? आपने काला जादू के बारे में सुना है या किसी को भूत प्रेत ने जकड़ लिया है? ऐसे इंसान दरअसल बेकाबू हो जाते हैं, अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं। ऐसी हालत में अगर वो किसी पर हमला भी कर दें तो लोग उसे माफ भी कर देते हैं। दरअसल ये मानसिक रोगी होते हैं, और अगर आपने उन्हें पागल कहा तो वो क्या, बाकी लोग भी आप पर टूट पड़ेंगे। आप कह रही हैं कि कोई शंकर नाम का आदमी है और वो शंकर आपको मारना चाहता है। इन बातों के पीछे कोई ठोस वजह हो ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि ये एक प्रकार का डिल्यूशन है। सर, इसका मतलब ये हुआ कि ये स्किज़ोफ्रेनिया के शिकार हैं? हम इतनी जल्दी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हर्षद। वैसे तो इनकी बीमारी स्किज़ोफ्रेनिया की तरफ ही इशारा करती है। अजीब अजीब तरह की आवाजें सुनाई देना, ऐसा महसूस होना कि कोई मुझे मारना चाहता है या मारने की साजिश कर रहा है या कोई मेरा पीछा कर रहा है, ये सारी बातें भ्रम की बीमारी की तरफ इशारा करती है, यानी स्किज़ोफ्रेनिया। इस बीमारी का शिकार व्यक्ति अकेलेपन में तरह तरह की चीजें देखता है, चुपचाप खामोश रहना पसंद करता है। हालांकि एक तरफ उससे मिले या बात करें तो वो बिल्कुल नॉर्मल नजर आता है, पर दूसरी तरफ ऐसी ऐसी बातें करेगा कि सामने वाला हैरान रह जाता है। देखिए, मैं ये बकवास और नहीं सुन सकती, थैंक यू वेरी मच, मैं जा रही हूँ। डॉक्टर शरद कह रहे हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है, पर रिपोर्ट्स नॉर्मल है, लेकिन सिचुएशन एबनॉर्मल। पता नहीं वो कौन शंकर है जिसकी बातें निशा के कानों में गूंजती है। अरे बाप रे, इस बात पे तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। ऐसा हो सकता है कि शंकर, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ए एक मिनट रुको, सुनो, तुम स्किज़ोफ्रेनिक हो सकती हो तभी, सिर्फ और सिर्फ तभी अगर शंकर जिंदा है। तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि निशा की मानसिक हालत ठीक नहीं है, लेकिन अगर शंकर मर चुका है तो उसकी आत्मा इसको परेशान तो नहीं कर रही? क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो? तुम खुद एक डॉक्टर होने के बावजूद भूत प्रेतों में विश्वास करते हो? श्याम, सच्चाई और विश्वास, इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। अब जो वास्तव में दिखता है उसे नेचुरल साइंस कहा गया है, और जो दिखाई नहीं देता उसे अननेचुरल साइंस नहीं सुपर नेचुरल साइंस कहा गया है। मुझे लगता है कि हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। क्यों? हेलो। सॉरी, मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ। नो नो, बोलो क्या बात है? बहुत डर लग रहा है। What happened? हर्षद की बातों में मुझे सच्चाई नजर आती है। क्या फालतू की बात कर रही हो तुम भी? उस बेवकूफ की बात पर ध्यान मत दो। ऐसे लोग तो चार पैसों के लिए जिंदों को मुर्दा और मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं। उसने एक बार क्या कह दिया, अब भूत प्रेत तुमसे बात करने लगे? पर मुझे स्किज़ोफ्रेनिया नहीं है श्याम। यानी तुम भूत प्रेतों का शिकार हो? नहीं तो मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है श्याम? कौन मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है? कहीं शंकर वाकई आकर मुझे मार न डाले, इसी बात का डर लग रहा है। अरे कम ऑन निशा, अपने इस डर को झूठ साबित करने के लिए मुझे शंकर से मिलना ही पड़ेगा। क्या तुम मेरी एक और मदद कर सकते हो श्याम? कैसी बात कर रही हो, बोलो ना। तुम मेरे साथ मजूली आइलैंड चलोगे? आइलैंड पर? प्लीज, तुम इतना कुछ कर चुके हो, थोड़ा और ही सही। मैं तो कहती हूँ हर्षद को भी साथ ले चलते हैं। ओके, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। थैंक यू। Thank you.
हम दिल्ली से आए। मैंने पूछा क्या? हमारे बारे में कुछ जानना नहीं चाहते आप? यहाँ पर सिर्फ दो किस्म के लोग आते हैं, एक वो जो पहले रूम बुक करते हैं, दूसरे वो जो खुद बुक होके चले आते हैं। हमने पहले से ही बुक किया हुआ है। शाम? ये है शाम। सामान दीजिए। अरे इतना बड़ा बैग तुम अकेले उठाओगे? अरे डरो मत, हम तीनों इसे उठा लेंगे। जो लगेज कार की डिक्की में ना उसे तुम उठा के ले जाओ ना। नहीं, मेरा एक नाम है हरी। अरे जो भी तुम्हारा नाम है, सामान संभाल के लाना। चाहो जितना संभाल लो बाबू, जो होना है वो होके रहेगा। बाहर से पुरानी हवेली और अंदर से बिल्कुल नई नवेली। मानना पड़ेगा अंदर से काफी मेंटेन किया है। वैसे काफी बड़ी जगह है, बगल में कब्रिस्तान भी है, वो जगह भी बहुत बड़ी है। अरे तो तुम क्या चाहते हो, वहां जाके रहे? जब वहाँ के लोग यहाँ आ सकते हैं तो यहाँ के लोग वहाँ क्यों नहीं जा सकते? मेरा रूम कौन सा है? और मेरा रूम कौन सा है? वो तो उस लड़की को दिया ना तुमने। तीनों के लिए एक ही रूम है। क्या बकवास कर रहे हो? 2:1। 2:1? ए, बाहर भी मुझसे तू 2:1 कह रहा था, इसका मतलब क्या है? पहले तो सिर्फ इंग्लिश फिल्मों में ही देखा था, आज आंखों से देख लिया। एक लड़की दो लड़के, 2:1। बंद कर बकवास। दूसरा गाल हाजिर है। अभी अभी तुमने कहा ना कि तुम्हारे पास इंग्लिश फिल्म है, उन्हें मेरे कमरे में ले आओ। मेरे पास एक लैपटॉप है, दोनों मिलके देखेंगे। 2:1 नहीं, 1:1। इससे तो मुझे बच के रहना पड़ेगा।
निशा, तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो? श्याम, ऐसा लगा जैसे कल रात को यहाँ से मुझे देख रहा था। मैं बहुत घबरा गई। क्या कह रही हो? तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? बहुत खटखटाया पर तुमने दरवाजा ही नहीं खोला। सॉरी निशा, मैं बहुत थक गया था तो तुरंत सो गया, तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई दी। कोई बात नहीं। वैसे एक बात है, हमें तो यहाँ कोई भी नहीं जानता। हाँ वो तो है, पर पता नहीं वो कौन था। डोंट वरी, अगर ये शंकर है तो तुम्हें ढूंढने जरूर आएगा, लेकिन आज हम वहाँ जाएंगे जहाँ तुम उसे पहली बार मिली थी। ओके कम। हेलो सलीम भाई, कैसे हो? ठीक हो, ठीक हो, तुम बताओ। तुमने जो माल भेजा वो अच्छा है, अगली बार वही भेजना। अच्छा भेजता हूँ, भेजता हूँ, ये माल भी भेजता हूँ और वो माल भी भेजता हूँ। क्या हुआ सलीम भाई? शकील भाई तुमसे बात करना चाहता है। सलाम भाई। हाँ सलाम, लगता है आजकल तेरे भाई के पर निकला है तो ज्यादा ही उड़ रहा है। क्या हुआ भाई? वो तो अपने भाई से ही पूछ रहे, अगर दोबारा ऐसा हुआ ना। भाई भाई तूने उनसे क्या बोला छोटे? माल का रेट कम करने के लिए कहा भाई। आगे से माल के रेट के बारे में बात मत करना, समझा कि नहीं? चल जा काम कर अपना। पैसे किधर है बे? भिजवाए क्यों नहीं अभी तक? बोला ना टाइम पे पैसे भिजवा दिया कर, वरना हाथ पैर तोड़ कर रख दूंगा। पड़े रहना बिस्तर पे, भीख मांग या डाका डाल, मेरे को मेरे पैसे चाहिए बस। अगली बार मैंने मेरी बंदूक बोलेगी। सुन नंदू जो बोला, आप किसी शंकर को जानते हैं? नाम सुना है क्या? मार डालूंगा अगर तेरी औकात नहीं है तो। ऐसे धंधे क्यों करता है तू? अगर पैसे वक्त पे नहीं पहुंचे तो काट के रख दूंगा तुझे। तो ऐसे चिल्ला रहा है कि अगर फोन वाला सामने आ गया तो मार ही डालेगा। देने की बात आई तो शक्ल देखो, गुंडे जैसी है इसकी। निकलते हैं यार। ये सॉरी बोलने से क्या होगा? हाँ भेज अभी के अभी, कोई नाटक नहीं करना। अगर किया तो आगे धंधा नहीं कर पाएगा, कब तेरे को उठा के ले आऊंगा पता नहीं चलेगा। दिमाग खराब कर दिया तूने मेरा। यहाँ शंकर कहाँ रहता है पता है? नहीं पता, मैं इस गाँव में नया हूँ। नहीं जानते? नहीं। सुनो भाई, यहाँ कोई शंकर नाम का गाइड रहता है, आपको पता है? हम जानते हैं शंकर को, पर आप कहाँ ढूंढ रहे हैं? हम शंकर के दोस्त हैं, दिल्ली से उससे मिलने आए हैं। पता नहीं, कुछ महीने पहले उसके घर गए थे तो उसके घर पे ताला लगा हुआ था, अब कहाँ है कुछ पता नहीं। ओके, अगर वो कहीं दिखाई दे तो उसे कहना कि इस नंबर पर फोन करें। अच्छा कह देंगे। पता नहीं बाबू, कई महीने पहले शंकर से मिलने उसके घर गए थे पर वहाँ ताला लगा था, कौन जाने कहाँ गया। शंकर का घर कहाँ है बता सकते हैं? यहाँ से आगे जाके वहाँ बाएं। इस तरफ। थैंक यू। राम राम बाबू। कौन शंकर? कहाँ है शंकर? कुछ पता नहीं चल रहा है, पागल कर दिया है, पता नहीं कहाँ छिपा बैठा है। हाँ लगभग हर किसी से पूछ लिया। लोग कह रहे हैं 6 महीने से दिखाई नहीं दिया, आखिर गया कहाँ होगा? गांव छोड़ के भाग गया होगा, कहीं मर तो नहीं गया। क्या लगता है?
शंकर? हेलो हेलो हेलो, इज द शंकर? कौन बोल रहा है? मैं निशा बोल रही हूँ। मैं शंकर का दोस्त हूँ। आप लोग शंकर को ढूंढ रहे हैं क्या? जी हाँ, क्या आपको पता है शंकर कहाँ मिलेगा? हाँ पता है, मैं जहाँ बताता हूँ वहाँ आ जाइए। कहाँ आना है? आज रात फॉरेस्ट मोड के पास। हाँ? शंकर के बारे में कुछ पता चला? अंदर आओ। गाड़ी चलाओ। मेरा नाम नंदू है। शंकर कहाँ है बताइए? जहाँ भी है ठीक है। 6 महीने से शंकर को ढूंढने कोई नहीं आया। पता नहीं तुम लोग कहाँ से आए। लगता है उसे ढूंढना बहुत ज़रूरी है तुम लोगों के लिए। सिर्फ मैं ही जानता हूँ वो कहाँ है, पर तुम्हें बताता कैसे? इस बीच एक आइडिया आया मुझे। मैंने शंकर का फ़ोन स्विच ऑन कर लिया और आपका फ़ोन आ गया। सीधे ही चलूँ? हाँ सीधा चलते रहो। सही जा रहे हो, सही जगह पहुँच जाओगे। मैं पहुँचा दूँगा। अगर मैं नहीं होता तो पता है क्या होता? शंकर को ढूंढते 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 तुम आखिरकार पुलिस के पास जाते। पुलिस उसे ढूंढते हुए मेरे पास आ जाती। ओह, आई एम सॉरी। मैं तो आपको बताना ही भूल गया कि इतने दिनों से शंकर है कहाँ। मर चुका है वो। पुलिस भी इस मामले में हाथ नहीं डालने वाली, क्योंकि शंकर का खून मैंने ही किया। डोंट वरी, मैंने कहा ना शंकर से मिलवाऊंगा तो मिलवाऊंगा। अब टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। बताओ पहले शंकर से कौन मिलेगा? तुम? ए हीरो, तू मिलेगा क्या? ओह, लेडीज फर्स्ट। शंकर के पास जाने के लिए तैयार हो जाओ। Yeah.
नीचे चलो यहाँ से। श्याम, मैंने शंकर को देखा। बकवास बंद करो और चलो यहाँ से, जल्दी चलो। श्याम सुनो, मेरी बात तो सुनो। श्याम, 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 मुझे बात तो करने दो। श्याम सुनो, तुम सुनते क्यों नहीं? मैं सच कह रही हूँ, मैंने उसे देखा है। श्याम, तुम इस तरह क्यों बर्ताव कर रहे हो? श्याम, प्लीज, मैं सच कह रही हूँ कि मैंने शंकर को देखा है, तुम मेरी बात मानते क्यों नहीं हो? श्याम, शंकर जिंदा है, मैंने अपनी आंखों से उसे देखा है। श्याम, मेरी बात तो सुनो तुम, प्लीज। श्याम, तुम कहाँ जा रहे हो? श्याम, सुनो मेरी बात तो सुनो। श्याम, ये क्या कर रहे हो तुम? शंकर जिंदा है। श्याम, पागल हो गई हो तुम? शंकर को मारने वाले ने खुद हमसे कहा कि वो मर चुका है, लेकिन नहीं, तुम्हें मानना ही नहीं है। तुम्हें इस जंगल में मरना है तो शौक से मरो, लेकिन तुम्हारी इस बेवकूफी के लिए मैं अपनी जान नहीं गवाऊंगा। देखो श्याम, बीच में मत बोल। अरे, सोचा तुम्हारा पागलपन दूर होगा, इसलिए तुम्हारे साथ इतनी दूर चलाया, और यहाँ आकर तो मेरी जान खतरे में पड़ गई। वो गुंडा हमें मार देता और तुम ओके शंकर शंकर शंकर। अरे पागल, वो मर चुका है। एक मिनट मेरी बात सुन लो। नंदू मुझे मारने के लिए मेरे पीछे भागा था, अगर शंकर नहीं आता तो मैं मर चुकी होती। प्लीज श्याम, ट्राई टू अंडरस्टैंड, शंकर मरा नहीं, जिंदा है। प्लीज तुम मेरी। शंकर का मैसेज। Hi निशा, कम डाउन टू डाउनटाउन रेस्टोरेंट शंकर। अब तो मेरी बात का यकीन कर लो, शंकर जिंदा है। ये मैसेज शंकर ने ही भेजा है, उसकी क्या गारंटी है? वहाँ जाकर पता चल जाएगा हमें। देखो श्याम, तुमने मेरी बहुत मदद की है, अब सच जाने बिना यहाँ से चली गई तो मैं पागल ही हो जाऊंगी। तुम ठीक तो निशा? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अब कोई खतरा नहीं है। लेकिन तुम उस नंदू से मिली क्यों? बहुत बड़ा गुंडा है वो। मैंने तुम्हें फोन लगाया था, फोन उसने उठाया, कहा कि तुम्हारा दोस्त है और हमें मिलने के लिए बुलाया। बोला वो तुम्हें मार चुका है, क्योंकि हम तुम्हें ढूंढ रहे थे, हमें मारना चाहा। वैसे उसने तुमसे सही कहा था, मैंने अपने बोट से उसे लीज पर दिया था, उससे उसने गलत धंधे शुरू कर दिए, उसने धोखा दिया मुझे और इसलिए हमारा झगड़ा हुआ। उसे लगा कहीं मैं पुलिस के पास ना चला जाऊं, इसलिए उसने आदमी भेजकर मुझे मरवाना चाहा। लेकिन मैं अपनी जान बचाकर किसी तरह वहां से भाग निकला। अब मैं कहां हूं कोई नहीं जानता, लेकिन नंदू को लगा मैं मर चुका हूं, इसलिए उसने मेरे मोबाइल का गलत इस्तेमाल करके तुम्हें फंसा लिया। खैर छोड़ो, मैंने तुम्हारा कार्ड संभाल के रखा था और इसीलिए मैं तुमसे मिल पाया। तो ठीक है शंकर, अब मैं चलती हूं। निशा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूं। क्या तुम जानते भी हो कि तुम मुझसे क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ निशा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तब से जब से तुम्हें देखा है। तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो? कभी बात की है क्या हमने आपस में? लड़की देखी नहीं कि पड़ गए पीछे? क्या समझते हो मैं कोई ऐसी वैसी लड़की हूँ? गलत समझते हो तुम। अगर ऐसा है तो तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो? मेरे बारे में क्यों पता कर रही हो? पता करना था कि तुम जिंदा हो या नहीं, समझ गए? निशा, निशा, ये शंकर भी अजीब आइटम है, एक मिनट की मुलाकात में वो निशा को प्रपोज करने निकल पड़ा। लव इट फर्स्ट साइट होगा, मुझे भी यही लगता है। वैसे निशा, मैं तो बहुत खुश हूँ यार, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व। ये तो पता चला कि तुम स्किज़ोफ्रेनिक हो, पर चिंता मत करो, दिल्ली पहुंचते ही तुम्हारा इलाज शुरू। हाँ निशा, हर्षद बिल्कुल सही कह रहा है, अब बीमारी को निग्लेक्ट मत करो, ट्रीटमेंट से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन श्याम, मेरी परेशानी अभी दूर नहीं हुई। क्या? ये वही शंकर है जिसे मैं ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे जो आवाज सुनाई देती है वो इसकी नहीं है। देखो निशा, बच्चों जैसी बातें करना बंद करो, हमने सोचा तुम बीमार हो तो अपना काम छोड़कर हम यहाँ चले आए, क्या क्या देखना पड़ा यहाँ, उस गुंडे नंदू के हाथों मरते मरते बचे हम, अब जब शंकर को ढूंढ लिया तो नई कहानी गढ़ रही हो तुम। कहानी गढ़ रही हूँ?
शाम में कोई कहानी क्यों? शट अप, बकवास बंद करो। एक बार भी सोचा तुमने तुम्हारी वजह से हम कितने परेशान हुए? मैंने सोचा अकेली लड़की है बेचारी, परेशान है, मदद कर देता हूँ, पर अब बस तुम्हारी मदद करते करते मैं पागल हो जाऊंगा। क्या हुआ? वो कार में कौन कौन? शंकर। शंकर? वो शंकर नहीं जिससे हम मिले थे, वो शंकर जिसकी आवाजें सुनाई देती हैं। वो कार में बैठा है, उसने मुझे पुकारा। शाम मुझे बहुत डर लगता है शाम। वो मुझे प्लीज स्टॉप इट निशा, मैं जानती हूँ वो मुझे मार देगा। क्या हो गया तुम्हें? तुम सच में पागल हो गई हो? नहीं, मैं सच कह रही हूँ, वो बैठा है कार में। कहाँ है? कहाँ है? दिखाओ मुझे, कहाँ है? दिखाओ। लेकिन वो पहले तुम्हें शंकर की आवाजें सुनाई देती थी, जब शंकर से मिली तो कहती हो वो उसकी आवाज नहीं है, अब कह रही हो वो शंकर दिखा दिया जिसकी आवाज सुनाई देती थी। शंकर 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 शंकर, कहाँ है शंकर? हमें क्यों नहीं दिखा देता वो? ना मुझे, ना इसे, किसी को नहीं दिखता, बस तुम्हें दिखा देता है। How is that possible? क्योंकि तुम पागल हो गई हो। You are mad, you are crazy, you are mentally sick. तुम पागल हो गई हो, आखिरी बार बोलता हूँ, गाड़ी में बैठो। कल सुबह वो लोग यहाँ से चले जाएंगे। ये चांदनी रात, ये ठंडी हवा, ये शांत नदी बहुत खूबसूरत है। वैसे देखा जाए तो ये जगह काफी रोमांटिक है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि यही जगह डरावनी लगने लगी है। क्या हुआ श्याम, क्या सोचने लग गए? निशा के बारे में यार कुछ समझ में ही नहीं आता। एक आदमी से मिलवा दिया, कहती है यही शंकर है, उसके बाद कहती है ये वो शंकर नहीं है जिसकी आवाज सुनाई देती है।
अब उसे कोई और दिखा देता है, कहती है ये शंकर है। ये सब मेरी समझ से बाहर है, बुलशिट मैन। उसकी बात पे गौर करना चाहिए। What? You mean to say, उसके पीछे भूत प्रेत पड़े? देखो श्याम, निशा को हम बहुत कम समय से जानते हैं। उसकी पिछली जिंदगी के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। तुम कहना क्या चाहते हो? अपनी लाइफ का एक किस्सा सुनाता हूँ। राजेश नाम के एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को मैं जानता था। उसकी कंपनी के एमडी की बेटी उस पे मर मिटी थी, लेकिन राजेश किसी और को चाहता था और उससे उसकी सगाई भी हो चुकी थी। एमडी की बेटी ने जिद पकड़ ली थी कि वो शादी करेगी तो राजेश से ही, लेकिन राजेश ने मना कर दिया। धीरे धीरे लड़की को गुस्सा आने लगा। अचानक एक दिन ऑफिस में उसके साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, क्योंकि वो राजेश के पीछे दीवानी हो चुकी थी। बात बात में वो झगड़ा इतना बढ़ गया कि एमडी की बेटी ने उस दिन राजेश को जान से मार दिया। लेकिन समस्या यहाँ पे खत्म नहीं हुई, बल्कि यहाँ से शुरू हुई। लड़की ये कहने लगी कि राजेश की आत्मा उसे परेशान करती है। अब लोग समझ नहीं पा रहे कि ये सच है या झूठ है। इतने में उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। तुम्हारा मतलब कहीं निशा भी? पता नहीं श्याम, मुझे लग रहा है कहानी रिपीट हो रही है। हो सकता है निशा ने किसी को मारा और उसकी आत्मा बदला लेना चाह रही है, और चूंकि हम मदद कर रहे हैं तो कहीं हमें भी।
सॉरी इस वक्त आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। ऑल ऑफ अ सडन मेरी गाड़ी बंद पड़ गई। रात इतनी हो चुकी है कि इस वक्त मैकेनिक भी नहीं मिलेगा, तो अगर आप मेरी मदद कर दें। गाड़ी कहाँ है? यहीं बाहर है, रोड पर खड़ी की है। एक मिनट। हाँ चलो चलते हैं। थैंक्स। गाड़ी फुल स्पीड में चला रहा था, सडनली झटका लगा और बीच में ही रुक गई। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर आप I don't see any problem. लेकिन बंद क्यों पड़ गई? कल ही तो मैंने सर्विसिंग कराई थी, और कल से पेट्रोल के रेट भी बढ़ने वाले थे, इसलिए मैंने टैंक भी फुल करवाया था। सुबह जब मैं निकला तो सब ठीक ठाक था। एक्सक्यूज मी, प्लीज ट्राई अगेन। मुझसे नहीं होगा, आई एम सॉरी। हेलो हेलो, यू जस्ट कांट लीव मी लाइक दिस। व्हाट डू यू मीन? तो अब मैं क्या करूं? आई मीन घना जंगल है चारों तरफ, अंधेरा और ठंड है। ऐसे में कार खराब हो गई, तो मैंने सोचा तुम मेरी मदद करोगे, पर तुम तो यूं ही चल दिए। आई थिंक तुम्हारा बिहेवियर कुछ ठीक नहीं है बॉस। साफ साफ बताओ कि तुम मुझसे चाहते क्या हो। वेल बस आज की रात सर छुपाने के लिए जगह थे तो दैट्स इट। बड़ी मेहरबानी हो। क्या? हाँ, और नहीं तो क्या? कॉमन सेंस। इतनी रात को मैं अकेला कहाँ रहा हूँ? कार में रहूँ? अरे कितनी ठंड है यहाँ, अगर ठंड के मारे कान चढ़ा दूँ तो दम घुटकर ही मर जाऊंगा, और थोड़ा सा शीशा नीचे करूँ तो मच्छर काट काट के जान ले लेंगे। एक इंसान होने के नाते तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ठीक है, चलो मेरे साथ। ओके, थैंक यू। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि अगर दिल से मदद मांगो तो वो हमेशा मिलती है। तुमने भी पहले किसी की मदद की होगी, तो आज तुम्हें मदद मिल गई। मैंने किसी की मदद नहीं की, फिर भी मुझे मदद मिल गई। सुन के हैरान हो गया ना? मदद मिल रही है सोचकर ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। और ये घर है ना, मेरे बाप का नहीं है। मैंने भी यहाँ किराए पे कमरा लिया है। यहाँ का नौकर तुम्हें भी ये कमरा दे देगा, पैसे दे के रह लेना, समझ गए ना? अरे सुनो, कहाँ रह गए? अरे कहाँ रह गए थे तुम? ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। कहाँ चले गए थे तुम? अरे यार, तुम मेरे आगे थे, मैं तुम्हारे पीछे था। जब तुमने पीछे मुड़ के देखा तो मैं वहां नहीं था। तो बताओ मैं कहाँ था? कार के पास बैग लेने गया था। पर मैं गया था कार के पास, तुम तो वहां नहीं थे। तुम भी क्या फिजूल की बातें कर रहे हो? शॉर्टकट से आया हूँ मैं यार। अरे बापरे, बहुत ठंड लग रही है, क्या हम अंदर चले? अब चलो भी। काफी बड़ा घर है। किसका है? पता नहीं। नहीं पता? अगर पता नहीं तो यहाँ रुके कैसे हो? ठीक है,
अब तुम भी यहीं रुकने वाले हो ना, जाओ जाके पता करो, जाओ। अरे यार, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। यहाँ से सीधे चले जाओ, वहाँ हरी नाम का आदमी मिलेगा, उससे पूछ लेना और रह लेना, पैसों की बात खुद कर लेना। हेलो हेलो, तुम कहाँ जा रहे हो? अपने रूम में। ये तुम ठीक नहीं कर रहे। क्या? I mean, कोई मेहमान आया तो बैठकर बात करने के बजाय जा रहे हो? पता भी है टाइम क्या हुआ है? It's okay यार, पता नहीं फिर हम कब मिल पाए, प्लीज मान जाना। मेहमान नवाजी वगैरह सब छोड़ो, बस एक सिगरेट या फिर एक स्मॉल ड्रिंक तो पिला ही सकते हो ना? मेरे पास ना ही सिगरेट्स है और ना ही ड्रिंक। मेरे पास है ना। चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो, बस एक पैक मार लो सब मस्त। बस बस, चाहो तो थोड़ा पानी में ला लो, मैं तो ऐसे पीता हूँ, स्ट्रांग एकदम रॉ। चीयर्स। तुम बहुत ग्रेट हो भाई, क्योंकि जब मैंने तुमसे कहा कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है तो मेरी बात मानकर तुम गाड़ी रिपेयर करने आ गए। तुमने ये भी नहीं पूछा कि मेरी गाड़ी कब कहाँ और कैसे खराब हो गई। हाँ, रहने को छत्ती। और इतना ही नहीं, मेरे साथ बैठकर मुझे पीने के लिए कंपनी भी दे रहे हो। शायद तुम्हारे सामने वाला चोर हो, साइको किलर हो, या फिर कोई भूत है, ऐसा भी तो हो सकता है। मैंने पीना शुरू भी नहीं किया, सिर्फ सिगरेट पी रहा हूँ मैं। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि शायद मैंने तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिलाया हो सकता है? क्या फालतू की बकवास कर रहे हो तुम? सॉरी यार, मजाक कर रहा था, सिर्फ टाइम पास कर रहा था तुम्हारे साथ और कुछ नहीं। कसम से सच्ची, इसमें कुछ नहीं है, चाहो तो मैं पीकर दिखाता हूँ। डर गया था ना? कुछ ज्यादा हो गया क्या? बहुत। चुपचाप जाके सो जाओ। निशा, क्या हुआ? क्या हुआ निशा? यही है शंकर। मैं? क्या? यही है, जैसे पहले मैंने गाड़ी में भी देखा था। निशा, stop it! कुछ भी बको मत। इसकी गाड़ी खराब है इसलिए ये यहाँ है। ये नाटक कर रहा है, ये यहाँ मुझे मारने आया है। मैं? Excuse me, आप क्या बात कर रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या कह रही हैं? मैं आपको क्यों मारूंगा? शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरा यकीन करो शाम, यही है वो आवाज जो मुझे बार बार सुनाई देती है। बस बहुत हुआ, तुम क्या बोल रही हो तुम्हें खुद नहीं पता, तुम बीमार हो, जाओ जाके सो जाओ। यहाँ कोई मेरी बात क्यों नहीं समझता? मेरी जान को खतरा है, ये मुझे मार डालेगा। सच कह रही हूँ, मुझे मार डालेगा, मैं सच कह रही हूँ। निशा, 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 दरवाजा खोलो। निशा, 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 दरवाजा। उसे अकेला छोड़ दो। सॉरी दोस्त। इट्स ओके, कोई मेंटल डिसऑर्डर है? ऐसा ही कुछ, स्किज़ोफ्रेनिक
निशा? सर, यही है शंकर, यही मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। निशा, ये क्या लगा रखा है तुमने? वो शंकर नहीं है। सर, आप मेरी बात सुनिए। आई एम शाम। एक्चुअली यही आपको परेशान कर रहा है। सर सर एक मिनट सर सर अरे सर, मेरा नाम शंकर नहीं है सर, मेरा नाम राजीव है। इससे तो मैं पहले कभी मिला ही नहीं। मैं इसे मारूंगा? मैं इसे क्यों मारूंगा सर? भाई साहब आप ही बताओ, मैं यहाँ अभी अभी तो आया हूँ। मैं यहाँ कुछ नहीं सुनूंगा, थाने में चलकर बात करेंगे। सर एक मिनट भाई साहब, बताइए ना, ये मुझे ले जा रहे हैं। ले चलो इसे। अरे यार कुछ बोलो ना, चुप के बैठो, लगता है कुछ कर दिया जाए। अरे बोल, चल। सर सर निशा, व्हाट इज दिस? मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। मुझे कुछ नहीं पता सर, मेरा टाइम खराब था कि मेरी गाड़ी अब मैंने पहली बार उस लड़की को देखा। मैं उसे क्यों मारूंगा? मैं आपको वहां भी यही कह रहा था और आप मुझे यहां पर ले आए। मैं सच कह रहा हूं, मेरा यकीन कीजिए। चाय पी? नो थैंक्स। कोई बात नहीं, पी लो। नहीं 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 सर, मैंने कहा पी लो। ये मेरे खाने का टाइम है सर। ठीक है तो खाना भी खिला दूंगा। तो क्या आप मुझे घर नहीं भेज रहे सर? घबराओ मत, खाना खा कर जाना। क्या खाओगे? भाई साहब, छह बटर नान, एक चिकन 65, एक मटन बिरयानी, एक बटर चिकन, अपोलो फिश, प्रॉन डीप फ्राई, थोड़ा ऑयल का, हाँ, दो मसाला पापड़, एक पाइनएप्पल रायता और दो गुलाब जामुन, नहीं सिर्फ दाल चावल। दाल चावल लाओ इसके लिए। और सुनो, साथ में एक बोतल पानी भी। जी साहब। सो नाइस ऑफ यू सर। बोलो कब खाओगे? आते ही तुरंत खा लूंगा सर। खाना खाने की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं मार नहीं खाना चाहता सर, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। स्कूल में मार के डर से मैंने बहुत पढ़ाई की और आज एक असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। अगर आप चाहो तो मैं अपना आईडी दिखा रहा हूँ। एक मिनट एक मिनट, ये देखिए। ओह आई एम सॉरी, ये मेरा आईडी है। बंसी लालन कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है सर। रहते कहाँ हूँ? केसी एवेन्यू सर, इस आइलैंड के डेड एंड की तरफ है सर। मैं बहुत इनोसेंट हूँ और तो और मैं एक अनाथ हूँ। अगर आप मुझे जेल में डाल देंगे तो मेरी बेल कराने वाला भी कोई नहीं है सर। रखो इसे।
मैं मजौली आइलैंड पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। क्या राजीव नाम का कोई आदमी आपके असिस्टेंट इंजीनियर है? हाँ सर, एनी प्रॉब्लम? कुछ खास नहीं। आप बता सकते हैं वो रहता कहाँ है? रोड नंबर 104, मेरे ख्याल से केसी एवेन्यू में रहता है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। सुनो, हाँ सर, मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। हाँ, चलो। ओके सर, निकलो। मुझे इनसे अकेले में कुछ बात करनी है। शो कुछ सवाल कर सकता? पूछिए। वेल, क्या आप उसे पहले से जानती थी? जी नहीं। तो उसने आप पर हमला क्यों किया? मुझे नहीं पता। दरअसल हुआ क्या था बताएंगी? मैं फ्रिज से पानी लेकर बैठी थी और मैंने देखा कि वो मेरे बगल में खड़ा है। फिर बस इतना ही? नहीं, उसने मेरा गला घोटना चाहा। What? हाँ, वो मुझे मार डालना चाहता है। उस वक्त कोई और वहाँ था? नहीं, पर जब मैं चिल्लाई तो वो पीछे हटा और उतने में बाकी लोग आ गए। उसने ऐसा क्यों किया होगा? I don't know, पर शायद उसे कोई दिमागी बीमारी है। It's okay, don't worry. मैंने उसके बारे में इंक्वायरी की है, उसकी रिपोर्ट क्लीन है। उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए उसे छोड़ना पड़ा। आपने उसे छोड़ दिया? ऐसा क्यों किया आपने? उसने फिर से हमला किया तो? घबराइए मत, जल्दी ही उसके बारे में और जानकारी निकालता हूं। ये मेरा कार्ड है, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे फोन कीजिए, मैं आपकी मदद के लिए आ जाऊंगा। घबराइएगा मत। थैंक गॉड, जीप स्टार्ट हो गई, वरना पता नहीं और क्या क्या होता। अब तो मुड़ के भी यहाँ नहीं आऊंगा। चलो चलो, जल्दी चलो। मेरे भाई को मार के बहुत बड़ी गलती कर दी तूने। अरे अरे भाग, चल चल निकल, चल पीछे की तरफ, चल भाग, चल 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 जल्दी, चलो निकलते हैं यहाँ से।
तुम्हें यहाँ देखकर मुझे खुश होना चाहिए या दुखी पता नहीं, पर जब भी किसी से झगड़ा होता है तुम मुझे वहीं मिलती हो। लेकिन झगड़े की शुरुआत मैंने नहीं की थी, उस नंदू ने की थी। नंदू मेरे हाथों मारा जा चुका है, अब उसका भाई नंदू की मौत का बदला लेना चाहता है। क्या सोच रही हो, कहीं मैं तुम्हें क्रिमिनल तो नहीं लगता? देखो निशा, मैं हालात का मारा हुआ, पर एक बात दिल से कहता हूँ, निशा आई रियली लव यू। क्या वाकई तुम मुझे इतना चाहते हो? जान से ज्यादा। कैसे यकीन करूं? तो क्या करूं कि तुम्हें यकीन हो जाए? मैं जो कहूंगी क्या तुम वो करोगे? कह के तो देखो। किसी को रास्ते से हटाना है। इंस्पेक्टर साहब, नमस्ते सर। बैठ जाओ। बताओ क्या हुआ? किसी ने मुझे गाड़ी से उड़ा दिया साहब। कहाँ हुआ ये? फॉरेस्ट मोड के पास। मैं रोड की बाईं तरफ आराम से चल रहा था, अचानक पीछे से उड़ा दिया। मुझे लगता है वो पीकर चला रहा था। गाड़ी का नंबर देखा? जी देखा है सर, AIQ 9000। AIQ 9000, आर यू श्योर यही नंबर था? यस सर। ओके, तुम एक काम करो, अभी तुरंत अस्पताल जाकर अपना इलाज करवाओ। मैं देखता हूँ आगे क्या हो सकता है। थैंक यू वेरी मच सर। हवलदार जी साहब, ये नंबर तो राजीव की गाड़ी का है ना? हाँ साहब। अपने हाथों से खाना बनाने का मजा ही कुछ और है। जी, कितनी भूख लगी थी, उस पुलिस वाले की शक्ल को देखकर सारा ऑर्डर कैंसिल करके दाल चावल मंगवाना पड़ा, और उस साले ने दाल चावल भी खाने नहीं दिया। उसकी तो मैं, अगर मुझे कहीं दिख जाए ना तो उसकी तो मैं ऐसी हालत करूंगा। अरे चैतन का नाम लिया और वो फंसे।
रहा है तू? मेरी निशा को मारने की कोशिश करेगा तू? रुको रुको, मैं कहता हूँ रुक जा। ये निशा कौन है? मैं उस लड़की को नहीं जानता। देख मैं कहता हूँ आगे नहीं बढ़ना। मैं सच्चे उस लड़की को नहीं जानता यार, आगे मत बढ़ना। मैंने उसे पहली बार देखा। पागल हो गया क्या? छोड़ूंगा नहीं तुझे। मारने के लिए आदमियों को भेजती है। राजीव क्या कर रहे हो तुम? राजीव, इंस्पेक्टर साहब, राजीव फिर से निशा को मारने आ गया। प्लीज हमारी मदद कीजिए। तुम बीच में मत आओ, नहीं तो तुम्हें भी मार डालूंगा। अपनी बकवास बंद कर, वरना मार दूंगा तुझे। और तू तो बीच में पड़ी मत, मुझे तुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे रास्ते से हट जाओ। और तू पागल वागल है क्या? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? हट, मुझे मारने के लिए आदमी भेजती है, तुझे यही मार दूं तो तुझे कौन बचाएगा? तू हट जा सामने से, मैं छोड़ूंगा नहीं। रुक जाओ सर, ये लड़की। कुल्हाड़ी नीचे फेंको, मैं इसे लेकर जा रहा हूं, तुम पीछे पीछे आओ। नहीं सर, सर रुकिए सर, सर नहीं सर, और सर मत मारिए सर, सर सर रुकिए सर, सर 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 हट। कमीना कहीं का, तुझे निर्दोष समझकर छोड़ दिया तो फिर पहुंच गया उसे मारने? इसका मतलब तू उस लड़की को मारने के इरादे से वहां गया था? नहीं सर, पहली बार जब मैं वहां गया था तो ऐसा कुछ नहीं था, पर दूसरी बार उसे सच में मारने के इरादे से गया था। अब मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो मैं सचमुच उसे जान से मार दूंगा। जीप खराब होने की वजह से आसरा क्या मांगने गया, बेकार का लफड़ा मोल ले लिया मैंने। पता है आज तक मैं कभी पुलिस स्टेशन नहीं गया था सर। सोचा लड़की है, मेंटल केस होगी, इसलिए छोड़ दिया, पर उसने तो किसी आदमी को भेजा मुझे मारने के लिए। किसे भेजा उसे? वो उसी की तरह कोई पागल होगा। मेरे पास आने से पहले वो शायद किसी से झगड़ा करके आया था, वो पूरी तरह से घायल। घायल था? हाँ घायल, और उसके चेहरे पर चोटें भी थी सर। वो घायल इसलिए था क्योंकि तुमने अपनी गाड़ी से उसे उड़ाया था। सर मैं उसे कहाँ से उड़ाऊंगा सर, आपके छोड़ने के बाद मैं सीधा घर ही गया था सर। मैं आया था चेक करने, पर तुम्हारे कमरे पे तो ताला लगा था। वो सर मुझे लगा कि आप कहीं फिर से मुझे इंटरोगेशन के लिए तो नहीं ले जाओगे, इसलिए मैंने ही बाहर से ताला मारा और अंदर छुप गया। आपके वहाँ से निकल जाने के बाद उसने आकर मुझ पर हमला किया। एक बात बताओ, निशा तुम पर हमला क्यों करवाना चाहिए? सर ये सवाल आपको उस पागल लड़की से करना चाहिए, आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं? ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सोच कर लगता है मैं ही पागल हो जाऊंगा, मैं ही पागल हो जाऊंगा सर, पागल हो जाऊंगा, मेरी कोई नहीं सुनता है।
दिमाग चकरा गया है। ये कहता है कि लड़की ने उस पर हमला करवाया और वो कहती है कि ये उसे मारने के इरादे से वहां आया था। शंकर नाम के आदमी ने इसके खिलाफ एक्सीडेंट की कंप्लेंट लिखवाई थी। जहां तक मैं सोच रहा हूं, इस पर जिस आदमी ने हमला किया और मुझे जिसने कंप्लेंट लिखवाई, वो दोनों एक ही आदमी है। इस केस को सॉल्व करने के लिए मुझे पहले शंकर को ढूंढना पड़ेगा, तो जब तक शंकर नहीं मिल जाता आप लोग आइलैंड छोड़कर मत जाइएगा। फिलहाल आप जा सकते हैं। ओके सर। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? शंकर, मार दूंगा तुझे। निशा, क्या हुआ? क्यों चिल्लाई तुम? शंकर, शंकर मुझ पर हमला करने वाला। रिलैक्स निशा, तुमने सपना देखा हो? नहीं, ऐसा होने वाला है हर्षद। भविष्य में हर्षद, मेरा विश्वास करो प्लीज। निशा, मुझे तुम पे विश्वास है, पर देखो घबराहट में हम कुछ नहीं कर सकते, सो जस्ट रिलैक्स। मैंने शायद तुम्हें कुछ दवाइयां दी थी ना, एक गोली खा लो, नींद आ जाएगी। ओके, आराम से सो जाओ। आप चाहे विश्वास करो ना करो बाबू, मुझे लगता है मेम साहब को किसी ऊपरी हवा ने जकड़ लिया है। यहाँ पास में एक चर्च है बाबू, आप जल्द से जल्द वहां के पादरी से जाके मिलिए, वो तंत्र मंत्र से सबको मुक्ति दिला सकते हैं। ज्यादा मत सोचिए बाबू, उनसे मिलने बहुत दूर दूर से लोग यहाँ तक आते हैं, उनकी चौखट से आज तक कोई निराश होकर नहीं लौटा। कोशिश करो, हम ये नहीं जानते कि उसे स्किज़ोफ्रेनिया है या नहीं, लेकिन अब उसे ऐसा लगने लगा है कि उसे अपना फ्यूचर दिखाई दे रहा है। फ्यूचर? क्या बकवास कर रहे हो? ये मानो या ना मानो, लेकिन वो अपने आने वाले खतरे को देख सकती है, और अगर ये बात सच निकली तो उसकी जान को खतरा है। श्याम, समझने की कोशिश, इस सिचुएशन में उसे हमारी मदद की जरूरत है। अब और क्या करें उसके लिए? एक आखिरी कोशिश। तुम क्या करना चाहते हो? देखो, यही पास में एक हरी बताओ ना, यहाँ करीब में एक चर्च है जहाँ के फादर इन सारी चीजों को। नो हर्षद, देखो मुझे ऐसी बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं। मत करो विश्वास, मैं भी नहीं करता। तुम्हें दिखता नहीं मुझे चोट लगी है, मैं गाड़ी नहीं चला सकता यार, प्लीज तुम मुझे वहां तक ले चलो, हम फादर को गाड़ी से यहां तक ले आएंगे। ओके हरी, तुम मैम साहब का ख्याल रखना, हम 10 मिनट में आते हैं। ओके प्लीज प्लीज चलो चलो। तुम बाहर क्यों रुक गए? अंदर चलो ना। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, मुझे इन बातों में विश्वास नहीं है। वो तो मैं भी जानता हूँ श्याम, लेकिन अंदर आने में जाओ। ठीक है।
निकल जा, निकल जा, इसके शरीर को छोड़ दे, आजाद कर दे इसे, जा। उठ जाओ बेटी, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई। गुड इवनिंग फादर। गुड इवनिंग। आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहो, क्या बात है? असल में हम इस शहर से नहीं है, हमारे साथ एक लड़की भी आई है, उसे कुछ परेशानी है फादर। उसे क्या परेशानी है? उस लड़की को अजीब अजीब तरह की आवाजें सुनाई देती रहती हैं, और इतना ही नहीं फादर, उसे लगता है कि उसे कोई जान से मारने की कोशिश कर रहा है, हर वक्त उसे ऐसा ही लगता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? कहाँ है वो लड़की? यही पास में है, हम जंगल बेल्स विला में ठहरे हुए हैं, हम गाड़ी लेकर आए हैं, अगर आप साथ चलते तो। देखो सन, मेरे लिए यहाँ और लोग इंतजार कर रहे हैं, अच्छा होगा अगर तुम उसे यहाँ ले आओ। मुझे जाके आने में थोड़ा वक्त लग जाएगा, तो आप। ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ उसे फादर। थैंक यू फादर। श्याम फादर, क्या कहा उस पादरी ने? निशा को भी उठाकर यहाँ लाना पड़ेगा। श्याम, मेरी थोड़ी और मदद कर दो, मैं अभी जा रहा हूँ, निशा को लेकर आता हूँ, तुम फादर को यहीं रुक रखना, ठीक है? मैं अभी आता हूँ। सॉरी निशा, वो राजीव साला बच के निकल गया है, उसकी किस्मत अच्छी थी। पर तुम फिक्र मत करो निशा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, फिर आएगा तो देख लूंगा उस कमीने को, आएगा तो जरूर। उसे तो पुलिस पकड़ कर ले गई है शंकर। तुम सोच रही होगी ना कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया, मैं जब भी अकेला महसूस करता हूँ तो यही आता हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर भी तुम्हें अकेलापन महसूस हो रहा है शंकर? अब तक अपनी परेशानियों की वजह से मैं तुमसे मिलती रही हूँ, अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया, लेकिन अब मुझे तुम्हारे साथ रहते हुए अच्छा लगने लगा है, मैं भी तुम्हें चाहने लगी। तुम यकीन करो ना करो, यही सच है। यहाँ पास के चर्च में एक फादर है, वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं, हमें जल्दी चलना होगा। निशा, हमारे पास ये आखिरी मौका है। शंकर, तुम भी हमारे साथ चलो। हाँ, चलो।
सर। इंस्पेक्टर साहब, एक छोटी सी गलती हो गई है सर। दरअसल वो गलती पूरी तरह से हमारी ही है। राजीव को मारने के लिए शंकर को भेजने वाली निशा ही थी सर। क्या? एक्चुअली सर, उसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है। शी इज फेसिंग सम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। अजीब सी आवाजें सुनती है, अजीब अजीब से लोग दिखाई देते हैं, कभी कहती है कि उसे कोई मारने की कोशिश कर रहा है सर। हमने सारे मेडिकल टेस्ट करवाए थे सर, लेकिन रिपोर्ट ठीक आई तो हमने भी उसके बारे में आपको कुछ नहीं बताया। लेकिन अब तो यही लगता है कि उसे कोई मानसिक बीमारी जरूर है, इसीलिए राजीव उसे मारने आया। इस बात को लेकर उसने ड्रामा क्रिएट कर दिया। आप क्या कहना चाहते हो? राजीव निर्दोष है सर, मैं उसके खिलाफ कंप्लेंट वापस लेता हूँ। सारी बात समझ गया मैं, तुम सब लफड़ेबाजों ने मिलकर वो क्या कहते हैं, मुझे ही मामू बना दिया। सर वो बात नहीं है। हवलदार जी सर, छोड़ दो उसे। साइन करो। थैंक यू सर। कम आउच, जो हुआ उसके लिए सॉरी। क्या बात कर रहे हो यार, तुम सॉरी क्यों कह रहे हो? अगर तुम ना आए होते तो शायद मैं उस हवालात से कभी निकल नहीं पाता। इफ यू डोंट माइंड, मुझे रूम तक छोड़ दोगे? ओह व्हाई नॉट, लेकिन तुम्हें ड्राइव करना पड़ेगा क्योंकि चल। दोस्त ठंड बहुत ज्यादा है ना? कितना मारा उस इंस्पेक्टर ने, पूछो मत यार, क्या कहूं। वैसे मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी बेल तुमने करवाई है। एनीवे, मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि तुम समझ सकते हो निशा दिमागी तौर पर बीमार है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। जाने दो यार, जो भी हो तुमने मेरी बेल कराई वही बड़ी बात है। शायद पिछले जन्म में मैंने उसे नुकसान पहुंचाया होगा, इसीलिए तो वो इस जन्म में बदला ले रही है। वैसे तुम लोग यहाँ पर कितने दिनों तक रुकने वाले हो? इसलिए पूछा क्योंकि तुम्हारे होते मैं यहाँ कदम तक नहीं रखूंगा। अरे यार, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? कोई प्रॉब्लम है क्या? हम जंगल के बीचों बीच हैं, चलो यहाँ से निकलते हैं। शंकर, अब तुम नहीं बचोगे। ये क्या यार, तुम भी मुझे शंकर समझ रहे हो? अगर तुम बच भी गए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो श्याम से यही रुकने को कहा था, पता नहीं कहां चला गया। उसे छोड़ो, हम अंदर चलते हैं। फादर, मैं इसी के बारे में कह रहा था, इसका नाम निशा है। प्लीज कम निशा। लेट जा। क्या
से किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाया है? दिल्ली में एक बार दिखाया था फादर, उन्होंने कहा शायद स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है, लेकिन निशा कहती है कि इसे फ्यूचर दिखाई देता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई भूत प्रेत का मामला हो फादर? एक डॉक्टर होने के नाते अगर सोचो तो लगता है इन्हें स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी है, लेकिन एक पादरी होने के नाते मैं साइंस के परे भी यकीन रखता हूँ। अब तुम गहरी नींद में जा चुकी हो, रिलैक्स। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। तुम्हारे अतीत में क्या हुआ था वो याद करने की कोशिश करो। तुम्हारे माता पिता के साथ क्या हुआ था वो याद करने की कोशिश करो। अपनी पिछली जिंदगी को टटोलने की कोशिश करो निशा। अपने अतीत में जाओ। याद करो, क्या तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ था जो तुम्हें परेशान कर रहा है? क्या अतीत में कोई ऐसी घटना हुई थी जिसने तुम्हारी जिंदगी बदल दी? हो सकता है इसके लिए तुम्हें अपने पिछले जन्म तक जाना पड़े। ठीक से याद करके बताओ कौन तुम्हें परेशान कर रहा है। अपनी याददाश्त पर जोर दो। बताओ तुम्हें क्या याद आ रहा है। बोलो तुम्हें क्या दिख रहा है। बोलो निशा, बोलो। शंकर मुझे मत मारो, मुझे मत मारो शंकर, प्लीज मुझे मत मारो शंकर, छोड़ दो मुझे। समझ गया, इस लड़की को स्किज़ोफ्रेनिया नहीं है, ना ही कोई और बीमारी। इस पर भूत प्रेत का साया भी नहीं है। इसे अपने पिछले जन्म की बातें याद आ रही हैं। कैसा हो सकता है फादर? हाँ, हो सकता है। एग्रेशन थेरेपिस्ट होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि अपने पिछले जन्म को याद कर रही है। शंकर कौन है और वो तुम्हें मारने की कोशिश क्यों कर रहा है? शंकर कौन है बोलो, बता कौन है शंकर? हेलो, हैप्पी न्यू ईयर ललिता। चंदन, बड़ी जल्दी आवाज पहचान ली, कैसी हो? प्लीज चंदन, आइंदा मुझे कभी फोन मत करना। लेकिन क्यों? hey! किससे बात कर रही हो फोन पर? हेलो, उस चंदन से ही ना? हेलो हेलो हेलो, वो चंदन के बच्चे, अगली बार मेरी बीवी से बात करने की कोशिश की ना तो तुझे जान से मार दूंगा। सोसाइटी में मेरा इतना बड़ा नाम है, रुतबा है, क्या कमी छोड़ी मैंने तेरे लिए? बोलना क्या कमी है, फिर भी उस चंदन को नहीं छोड़ सकती? एक साथ दो दो मर्द चाहिए क्या तुझे? बस बहुत हुआ, कुछ सोचे समझे बिना मुझ पर ऐसा घटिया इल्जाम लगा रहे हो। शादी से पहले मैं चंदन को चाहती थी, जानते थे तुम, पर तुम्हारी दौलत और जायदाद की चमक ने मेरे पापा को अंधा कर दिया और उन्होंने मुझे तुमसे शादी करने पर मजबूर कर दिया। शादी के बाद मैंने चंदन से सारे नाते तोड़ दिए। आज पहली बार उसने मुझे हैप्पी न्यू ईयर कहने के लिए फोन किया, पर अपने शक के घेरे की वजह से तुमने मेरा जीना मुश्किल कर दिया। फोन की घंटी बजती तो मुझे डर लगता है, हर वक्त दिमाग में यही ख्याल रहता है कि पता नहीं कब तुम्हें गुस्सा आ जाएगा और तुम ऐसा क्या कर दोगे। इस डर के साथ तुम्हारे साथ जीने से अच्छा है कि मैं डिवोर्स ले लूं। मार दूंगा, मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ। शंकर, अगली बार तेरी जुबान से अगर डिवोर्स का शब्द भी सुनाई दिया तो तुझे और चंदन को जान से मार दूंगा। सोसाइटी में मेरा जो स्टेटस है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। वो अब तक चंदन को भूली नहीं है, जब मैं ऊपर गया तो उससे फोन पर बात कर रही थी। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये सच है, मैंने उसकी आवाज फोन पर सुनी। आज दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया तो कहती है डिवोर्स दे दूंगी, कभी नहीं कहेंगी। कंट्रोल योरसेल्फ। नहीं यार, अगर ऐसे चलता रहा तो बात बहुत बढ़ जाएगी, कोई ना कोई रास्ता मुझे ढूंढना ही होगा। करता हूँ इसे ठीक। आप यहाँ दस्तखत कर दीजिए। सुन, एक बार और सोच ले यार। सोच समझ कर ही मैंने ये फैसला लिया है। अगर जायदाद तेरे नाम नहीं की तो कल वो मुझे डिवोर्स देकर जायदाद का आधा हिस्सा लेकर उस चंदन के साथ भाग जाएगी। इस डर से तुम सारी जायदाद मेरे नाम? मेरे बिना मेरा है ही कौन। थैंक यू।
हुआ ऋषि? तुमने तो कहा था कि शंकर को भी बुलाया है, पर तुम्हारे नौकरनी का यहाँ कोई नहीं है। शंकर अब तक आया नहीं। शंकर यहाँ नहीं आने वाला। तुम शंकर को डिवोर्स देने वाली हो, उस बारे में मुझे तुमसे बात करनी थी, इसलिए यहाँ बुलाया। तुम तो जानते ही हो चंदन को लेकर शंकर को मुझ पर शुरू से शक है। उस दिन गुस्से में मैंने डिवोर्स की बात कर दी थी, लेकिन मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। क्या तुमने शंकर को ये बताया? अब तक तो नहीं, क्यों? तुम उसे डिवोर्स देने वाली हो ये सोचकर उसने सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है, और अगर अब उसे सच पता चल गया तो मुझे सारी जायदाद उसे वापस करनी पड़ेगी, जो मुझे गवारा नहीं तो तुझे मरना पड़ेगा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? सॉरी, दौलत ने मुझे अंधा कर दिया है। Excuse me. इससे पहले श्याम नाम का आदमी मेरे पास आया था, क्या आप लोग उसे जानते हैं? हाँ जानते हैं, पर क्यों? उसने भी अपनी रिग्रेशन थेरेपी करवाई, और उसके पिछले जन्म की बातें इस लड़की के पिछले जन्म से मेल खाती हैं। क्या? श्याम ने आपके पास आके रिग्रेशन थेरेपी ली? उसने ऐसा किया? उसने गांव से बाहर कुछ दिखा तो वो घबरा के अंदर आ गया। फादर, अदालत बेल की मंजूरी देती है जमानत के लिए 25,000 के जुर्माने पर। ए, कौन है बेतू और ऐसे कैसे अंदर चला आया? ये चंदन है, तू यहाँ क्यों है? ए शंकर, जेल से छूटकर ज्यादा खुश मत हो। कोर्ट को तो तू धोखा दे सकता है, लेकिन एक बात याद रख, तू मुझसे नहीं बच सकता। उस बेचारी की क्या गलती थी जो तूने उसे मार डाला? तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक काम कर, पुलिस को फोन कर और इसके बारे में सब बता दे, प्रोटेक्शन लेना बेहतर है। हेलो, हेलो, मैं शंकर बोल रहा हूँ। हाँ सर बोलिए। वो चंदन अभी आकर धमकी देकर गया, कहता मुझे जान से मार डालेगा, जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। आप कल सुबह कंप्लेंट लिखवा दीजिए, आपको पुलिस प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी और चंदन के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। थैंक यू। बोला कल आकर कंप्लेंट लिखवा दो, वो चंदन के खिलाफ भी एक्शन ले लेंगे। सॉरी शंकर, तेरी बीवी को मारने वाला मैं ही, लेकिन मैं तुझे नहीं मारना चाहता था। मैंने सोचा अपनी बीवी के खून के इल्जाम में तुझे तो फांसी हो ही जाएगी, लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं। चंदन के खिलाफ तो तुम पुलिस प्रोटेक्शन मंगवा ही चुके हो, तो अब अगर मैं तुम्हें मार दूं तो भी इल्जाम तो चंदन के सिर ही जाएगा। ऋषि, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? तेरे पास है ही क्या जो तू मुझे देगा? कहीं दिया हुआ वापस ना मांग ले, इसीलिए तुझे मैंने तुझ पर भरोसा किया। बेवकूफ होते हैं वो लोग जो भरोसा करते हैं। शंकर, अगले जन्म में मिलते हैं, मुझे माफ कर देना। Oh,
जो किया उसके लिए मैंने राजीव को बहुत तकलीफ दी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम सिर्फ गलतफहमी का शिकार थी, इसीलिए तुमने अनजाने में ही राजीव को बहुत तकलीफ दी। हमें जल्द से जल्द राजीव को बताना। हाँ, चलो चलते हैं। जिसके साथ तुम आई हो वही तुम्हें जान से मार देगा। जाओ, चली जाओ यहाँ से। वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। जाओ, मैं कहता हूँ चली जाओ। कितनी बार कहूं कि मैं शंकर नहीं हूं। आप छोड़ दो मुझे, मेरी बात सुनो। तू करना क्या चाहती है पागल? तूने मुझे जेल में डाला, फिर आदमी भेजा मुझे मारने के लिए, फिर जेल से बेल करवा के मुझे फिर से मारने की कोशिश की। इस सारे फसाद के जड़ तू ही है, इसलिए सबसे पहले तुझे मारना होगा। प्लीज शंकर, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं जो कह रही हूँ वो सच है, मेरी बात तो सुनो। मानना मुश्किल है लेकिन ये पिछले जन्म की कहानी है। पिछले जन्म में मैं तुम्हारी बीवी थी। तुम सोच रहे होगे कि ऐसा कैसे हो सकता, लेकिन यही सच है। मेरी बात समझो, पिछले जन्म में तुम्हारा नाम शंकर था और जो इस जन्म में शाम है वो ऋषि था और उसी ने तुम्हें मार डाला था। तुम चंदन को लेकर मुझ पर शक करते थे, ऋषि ने चंदन को भी मार दिया और ये सब तुम्हारी जायदाद पाने के लिए। सब सच है शंकर, निशा ने जो भी कहा वो सच है, यही तुम्हारी पत्नी थी। तुम सारी बातें शुरू से जानते थे, फिर भी अनजान बनने का नाटक कर रहे थे। कहीं पिछले जन्म का राज तुम्हें पता ना चल जाए इसलिए तुम्हें मार देना चाहता था, लेकिन तुम बच निकले। पर अब बच के कहां जाओगे? Thank you.
इसका ख्याल रखना।